हेलो गाइस, मैं हूं अतुल और आप मेरे लोकेशन से देख सकते हो। इस टाइम मैं हूं उत्तराखंड के अंदर। आप लोग सोच रहे हो उत्तराखंड में कहां, तो आप व्यू देख सकते हो कितना प्यारा व्यू है। और मैं इस टाइम खड़ा हूं कणाश्रम राजा भरत के जन्म स्थल पर। आपने सुना होगा महाभारत के अंदर दुष्यंत और उनका पुत्र था राजा भरत, भरत के नाम पर जो भारत देश का नाम रखा गया है, उसी के यहाँ पर जन्म स्थल पर आया हूँ। इस स्थान का नाम है कणाश्रम राजा भरत का जन्म स्थल। आपको बताऊं कि राजा दुष्यंत तथा शकुंतला के पुत्र थे भरत, जिनका जन्म महाभारत के युद्ध से कई वर्ष पहले कणाश्रम में हुआ था, जिनके नाम से इस देश को भारतवर्ष कहते हैं। यदि आप कोटद्वार में आते हो छुट्टी मनाने के लिए, घूमने के लिए, तो इस स्थान पर आप जरूर विजिट कर सकते हैं। इस स्थान तक पहुँचने के लिए आप कोटद्वार रेलवे स्टेशन से पर्सनल कैब भी बुक कर सकते हैं। कणाश्रम की दूरी कोटद्वार रेलवे स्टेशन से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा कोटद्वार में आप सिद्धबली मंदिर भी घूम सकते हैं, माता दुर्गा देवी मंदिर भी घूम सकते हैं। मैंने दुर्गा देवी मंदिर, सिद्धबली मंदिर की वीडियोस बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। तो भी फाइनली हम जा रहे हैं पहाड़ों के ऊपर। और क्या देखो यहाँ पर, क्या सुंदर नज़ारा है भाई। आप तो सिनेमेटिक शॉट्स के अंदर देखो जरा सबसे पहले। तो गाइस, इस कणाश्रम राजा भरत के जन्मस्थल पर आप ऑटो कैब वगैरह से पहुंच सकते हो। ये कोटद्वार रेलवे स्टेशन से केवल 10 किलोमीटर दूर है। मैं तो बाइक पर आया हूं और ऑटो वगैरह का ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है कि 200-300 रुपए के अंदर बुक होकर आप यहां पर आ सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा तीर्थ स्थल है, यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस है। और देखो भाई यहाँ पर कितना बढ़िया नज़ारा है, देखो पत्थर कितने बड़े बड़े हैं यहाँ पर भाई। अरे वाह, क्या सुंदर नज़ारा है। और आप ऊपर देख सकते हो कि कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं यहाँ पर भाई। उत्तराखंड के अंदर आप पहाड़ी पहाड़ देखोगे, ज़्यादातर सुंदरता है इनकी यही है कि यहाँ पर पहाड़ी पहाड़ है। और ये जो नदी देख रहे हो ना, ये वाली, ये जो ऊपर से पानी आता है ना पहाड़ों पर से, तो इस नदी के थ्रू आगे जाता है, ठीक है। इससे इस स्थान का नाम है कणाश्रम राजा भरत का जन्मस्थल, ठीक है। यहाँ से व्यू देखो भाई, देखो यहाँ पर झरना है कितना प्यारा प्यारा भाई यहाँ पर भी। चलो भाई सबसे पहले झरने के पास चलते हैं, देखो। तो भाई देखो ये पहाड़ों पे से जल आ रहा है भाई, ऊपर से बिल्कुल नेचुरल पानी है। देखो भाई, देखो कितना ठंडा ठंडा पानी है। तो भाई देख सकते हो कि इतना भाई प्यारा झरना है ये वाला, है ना। यहाँ की खूबसूरती अलग है भाई। और मैं आपसे सजेस्ट यही करूँगा, आप इस स्थल पर जरूर आना। इस स्थल का नाम है कणाश्रम राजा भरत का स्थल, ठीक है, यानी कि जन्म स्थल। चलो नीचे चलते हैं, काफ़ी टाइम हो चुका भाई हमें भी। हम आए हैं महाभारत कालीन भारत देश का नाम, जिसके नाम पर पड़ा था भरत ऋषि दुष्यंत पुत्र भरत कर्णव ऋषि आश्रम। तो ये हमारे यहाँ के पंडित जी हैं, इन्होंने बताया यहाँ पर। चलो ऊपर चलते हैं। पंडित जी आप यहीं पर रहते हो काफ़ी दिन से? हाँ, मुझे कई सौ साल हो गए मुझे यहाँ पर। अच्छा अच्छा, तो वैसे नीचे लाने की इनकी मांग करी जा रही है, देखते हैं। बातें नहीं आते बेचारे नीचे। मैं नहीं आऊँगा, मैं तो यहीं रहूँगा। तो यहाँ पर मंदिर है, यहाँ पर ताला लगवा भाई। तो जैसे आप ऊपर आओगे तो आपको ये मंदिर दिखेगा ऋषि का, दुष्यंत, वो उनकी माता। अच्छा, ये राजा दुष्यंत वाले। अच्छा, उस तरफ है वो शकुंतला, शकुंतला शकुंतला
जो दुष्यंत की पत्नी है। अच्छा, दुष्यंत की पत्नी शकुंतला। अच्छा, और सामने जो ये दो ऋषि हैं, सामने सामने महर्षि कर्णव ऋषि, उनके जो नीचे लिख रहा है महर्षि कर्णव ऋषि महाराज। अच्छा, इधर है महर्षि कश्यप ऋषि महाराज, और ये कौन है इधर? भरत। इधर है भरत, दुष्यंत के पुत्र। दुष्यंत के पुत्र, हाँ।